ये बताइए, आप को अपने किसी शिक्षक की याद आती है? सर हाँ, क्यों? मुझे मेरे शिक्षक गुरुजी श्री डिप्टी राम जी मीना सर थे, उनको मैं हर समय मैं याद करता हूँ। कारण वो एक तो नियमित कक्षाएं लेते थे, अनुशासन प्रिय थे, समय के पाबंद थे और अच्छी तरह से बच्चों को हमारे को समझाते थे। जो भी विषय वस्तु पढ़ाते थे वो हमारे को अच्छी तरह से समझ में आ जाते थे। मेरी एक स्टूडेंट है सुगंधा कुमारी, वो मुझे अभी भी याद आती है। वह छात्रा एक तो नियमित स्कूल में आती थी, साफ सफाई से आती थी, अपना गृह कार्य कक्षा कार्य बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से करके आती थी, खुद भी पढ़ती थी और दूसरे जो कमज़ोर बच्चे उनके साथ में थे उनको भी पढ़ाने में मदद करती थी। और आज भी वह बालिका कक्षा 6 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संघ में अध्ययन करती थी। सर, अच्छा शिक्षक वो होता है जो एक तो उसके शिक्षक बनने के लिए योग्य होना चाहिए, अर्थात उसके विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए। शिक्षक को कभी भी, जहाँ तक मेरा विश्वास है, एक ही जगह पर खड़ा रह करके नहीं पढ़ाना चाहिए। कक्षा में सभी छात्रों पर बराबर बराबर ध्यान रखना चाहिए। जो आवश्यक बातें हैं उनको कक्षा में स्याम बोर्ड पर भी लिखनी चाहिए। अनुशासन का सर मेरे लिए मतलब है कि विद्यालय में समय पर आवे, समय पर जावे, विद्यालय का जो भी कार्य है जैसे रिकॉर्डिंग संबंधी रिकॉर्ड संबंधी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये इसको व्यवस्थित तरीके से करें। ये तो आपने कहा शिक्षक के संदर्भ में, लेकिन बच्चों के संदर्भ में? बच्चों के संदर्भ में सर, बच्चों का व्यवस्थित नियमानुसार साफ सफाई पूर्वक विद्यालय में आना, समय पर आना, उनका कक्षा में बैठने का तरीका सही रखना, वेशभूषा उसकी सही होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा सही होनी चाहिए। अच्छा, बच्चों के जो पालक हैं या अभिभावक हैं उनसे संपर्क करने की आप किस तरह के तरीके अपनाते हैं? सर, इसके लिए हम लोग एक तो SMC की बैठक लेते हैं, साथ साथ में जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्रता दिवस है, ऐसे मौके पर भी वो लोग आते हैं। दूसरा, जैसे गांव में कोई शोक दुख की बात हो जाती है तो मैं उन लोगों के सुख दुख में वहाँ पर पहुँच जाता हूँ, जिससे मेरे लोगों में बेहद इज्जत जमी हुई है कि नहीं, मार्शल वास्तविक बच्चों के प्रति चाहते हैं।